हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इसमें मैं कवर अप करने वाला हूँ दो चीज़ जिसमें हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, और साथ ही साथ हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग सब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स को दो हिस्से में बांटा जाता है। पहला पहला हिस्सा होता है हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स का, और दूसरा हमारा हिस्सा होता है क्या, पैसिव एलिमेंट्स का, ठीक है। और इस एक्टिव एलिमेंट में हमारे पास क्या-क्या चीज़ होती है, पैसिव एलिमेंट में क्या-क्या चीज़ होती है, और यूनिलैटरल और बायलैटरल एलिमेंट्स क्या-क्या होती है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आते हैं क्या होता है एक्टिव एलिमेंट। ये ऐसा एलिमेंट होता है जो सप्लाई करता है एनर्जी किसको, नेटवर्क को, ठीक है, और उसी को हम लोग सब एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कैसा एलिमेंट होता है, ये एक एलिमेंट होता है, द एलिमेंट क्या, विच सप्लाई क्या, एनर्जी टू द नेटवर्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये किस तरह के होते हैं भाई, ये होते हैं वोल्टेज सोर्स, किस तरह के, बैटरीज, सेल, डीसी जनरेटर, और करंट सोर्स होते हैं जैसे लाइक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गए, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, ये सारे आते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट में, ठीक है। क्या क्या होते हैं भाई, बैटरी, ठीक है। बैटरी का एग्जांपल हमारे पास कुछ ये है, ये बैटरी आप लोग सब देखते हैं, ये सारे हमारे पास एक्टिव एलिमेंट है। ये हम लोग सब घर में देखते हैं लगा हुआ है, ये हम लोग सब रिमोट में लगाते हैं, और ये जब हम प्रोटोटाइप कोई मशीन वगैरह बनाते हैं जिसमें हमें ज़्यादा डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसमें हम लोग सब लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास होते हैं क्या, हमारे पास होती हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक एक ये हो गया जिसको हम लोग सब बोलते हैं, ये हो गया एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, और ये हो गया हमारे पास पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये करंट सोर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। और एक और हमारे पास है जो हो गया डायोड, ये डायोड हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एनोड पार्ट, और ये हो गया हमारा कैथोड पार्ट। ये देखिए बीच में ये लाइन बना हुआ है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सिंपल डायोड को, अगर मैं डायोड को बनाना चाहूँ तो डायोड कुछ इस तरह से बनता है, ये जो लाइन है ये उस लाइन को डिनोट करता है, ठीक है, समझे बात को। ये हो गया हमारे कुछ एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव अगर एसी में अगर हम लोग सब दिखाना चाहें तो ये अगर एसी में हमारे पास हो गया वोल्टेज, जिसको हम लोग सब वी से डिनोट कर लेते हैं, और इसके साथ कुछ एंगल में कुछ भी वैल्यू थीटा लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिव एलिमेंट। उसी तरह से हमारे पास पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट हमारे पास भाई तीन है, आर, ये हो गया एल, और ये हो गया सी, ठीक है। ये हमारे पास रेसिस्टर है, ये हमारा इंडक्टर है, और ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। ये पैसिव एलिमेंट क्या काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो जो हमें एनर्जी मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दी सर्किट एलिमेंट, दी सर्किट एलिमेंट दैट रिसीव एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, उसको हम लोग सब क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, या तो ये आइदर कन्वर्ट करते हैं हीट को, ठीक है, या तो स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये क्या करते हैं, आइदर आइदर कन्वर्ट क्या करते हैं, इट इनटू क्या, हीट, और स्टोर एनर्जी, ठीक है, इन इट, ठीक है। और ये किस तरह से, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, या तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, समझे बात को। अब देखिए ये रेसिस्टर क्या करता है, रेसिस्टर क्या करता है भाई, रेसिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है जो क्या करता है, डिसिपिएट करता है एनर्जी किस फॉर्म में भाई, हीट में, जब तक वो सर्किट में लगा हुआ है और उसके उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सर्किट में लगा हुआ हो और करंट फ्लो करे, शॉर्ट सर्किट में कभी कभी करंट नहीं फ्लो करता है, तो ये क्या, इसके अंदर से करंट नहीं जा रहा है, हीट को डिसिपिएट नहीं कर पाएगा, तो ये पैसिव एलिमेंट नहीं कहलाएगा तब, ठीक है।
जब तक इसके अंदर से करंट जा रहा है तब तक ये पैसिव एलिमेंट कहलाएगा, और ये क्या करेगा भाई, ये हीट को डिसिपिएट करेगा। इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर पहले तो रेसिस्टर का सिंबल देख लीजिए, रेसिस्टर का सिंबल ये हो गया, इसका यूनिट क्या होता है भाई, यूनिट ओम में होता है, ठीक है। अब आते हैं इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है भाई, इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है जो क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी, और वो किस में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, किस में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और ये इसको सर्किट को डिलीवर करता है, बट एक और चीज़ याद रखना है कि ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं करता है, कंटिन्यूस बेसिस में नहीं करता है, ठीक है। और जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरी कैपेसिटी होता है इंडक्टर का, वो लिमिटेड होता है और ट्रांजिएंट नेचर में होता है। ट्रांजिएंट स्टेट जानना है क्या होता है एक सर्किट का, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। कैपेसिटर भी सेम होता है, ये सेम पैसिव एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, और ये स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिलीवर करता है सर्किट में, और हाँ इसमें भी क्या होता है, ये कंटिन्यूस बेसिस में नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा स्टोर करता है, समझे बात को। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका यूनिट हेनरी में होता है, इसका यूनिट फराड में होता है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट में। यूनिलेटरल और बायलेटरल में क्या डिफरेंस है, यूनिलेटरल का मतलब ये हुआ और बायलेटरल का मतलब क्या हुआ, यूनिलेटरल एक ऐसा एलिमेंट हुआ जिसमें सपोज करते हैं हमारे पास डायोड है, डायोड में एक कंडीशन है कि जब तक फॉरवर्ड बायस रहेगा तब ये क्या करेगा, ये स्विच जैसा काम करेगा, दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्विच जैसा जो करंट आ रहा है वो करंट भेज देगा। लेकिन अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब इसको ज़रूरी है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखना, मतलब प्लस माइनस देना, अगर नहीं देते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऑफ, और बीच में कनेक्शन नहीं होने के कारण ये क्या रिवर्स बायस जैसा काम करेगा, और रिवर्स बायस में काम करने के कारण तो इसका मतलब ये हुआ कि द कंडक्शन ऑफ करंट इज इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इसका जो कंडक्शन करंट का होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, और इसके कारण इसका नाम पड़ा है यूनिलैटरल डिवाइस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या, डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब आते हैं बायलेटरल, बायलेटरल एलिमेंट में का मतलब रेजिस्टर को आप इधर प्लस दो, इधर माइनस दो, इधर माइनस दो, इधर प्लस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह कैपेसिटर है, उसी तरह से इंडक्टर है, आप किसी भी डायरेक्शन में दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायलेटरल एलिमेंट। बायलेटरल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ दी डायरेक्शन इन दी सर्किट एलिमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड, और उसी को हम लोग सब बायलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।